सामेकुम गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट के लेक्चर में ही कॉड्रेटल्स पढ़े क्या होता है कॉड्रेटर्स उसके टाइप्स पढ़े और उसके बाद हमने कुछ नमेरिकल्स भी किए साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसान है वो टॉपिक उसमें ज़्यादा कहीं पर आपको किसी मैथामेटिकल झंझट में फंसने की कोई जो है गुंजाइश नहीं है तो वो आपके लिए मैंने आसान पेश करके भेजा है इससे बढ़कर जो हमारे पास एक और टॉपिक है वो है रेगुलर पॉलीगॉन्स रेगुलर पॉलीगॉन इतना आस आसान टॉपिक है अगर इसमें एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये आज हम रेगुलर पॉलीगॉन्स के ही बारे में पढ़ेंगे देखिए मैंने जब आपको पॉली ये कॉन्ट का पोर्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपका टॉपिक ही स्टार्ट किया था पहले पॉलीगॉनस से जब हमने ट्रेंगल स्टार्ट किया था अगर आपको याद होगा मैंने आपको पॉलीगॉन बताया था उसके बाद हमने कॉर्डलेटर पढ़ा अब हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं ठीक है तो पॉलीगॉन मैंने आपको बताया था हमारे पास ऐसा फिगर जिसमें जो क्लोज फिगर हो जिसमें दो से जदद साइड्स होंगे उसके उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं ठीक है इसमें ट्राइंगल आता है इसमें स्क्वायर आता है इसमें जो है हाँ, कॉर्डलेटर सारे आते हैं इसके बाद इसमें पेंटागन आता है हेक्सागन आता है हेप्टागन आता है और भी हमारे पास जो भी क्लोज्ड फिगर्स होते हैं इनको कभी कभी फ्लैट फ़िगर्स भी कहते हैं ठीक है फ्लैट फिगर्स भी कहते हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं तो ये सभी हमारे हाँ यहाँ पे पॉलीगॉन्स के नाम से पुकारे जाते हैं ठीक है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन एक स्पेशल टर्म है रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि इस पॉलीगॉन में एक खसूसियत ये है कि इसमें सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारे साइड्स भी बराबर होते हैं जैसे कि हमने अब कॉर्डिलेटर में देखा हमारे पास स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं तो इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं और स्केयर में हमारे पास हर एक एंगल जो है नाइन्टी डिग्री का होता है जो हमने कल पढ़ा था आपको ऑलरेडी याद होगा उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे या फिर अगर हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं इसमें एंगल्स भी बराबर 60 डिग्री होते हैं तीनों एंगल्स तो ये इक्विएंगुलर भी होता है तो ट्रायंगल को भी हम रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं इसी तरह हमारे पास पेंटागन हो सकता है एप्टागन हो सकता है एक्जगन हो सकता है तो ये सभी जो हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं इनको हम रेगुलर तब कहेंगे जब इनके इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे और साथ ही साथ इनके साइड्स भी बराबर होंगे ठीक है चलिए इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी कोट किए आप एक बार डेफिनेशन को देखें ताकि आ, ये चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो जाए देखिए यहाँ पे हम मैंने डेफिनेशन दी है इसकी और इफ़ ऑल द साइड्स आर एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल अगर सारे साइड्स पॉलीगॉन के और सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तब हम इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं अच्छा इसकी एग्जांपल एकुलेटेड ट्रैगल है हमारे पास स्केयर है पेंटागन है या फिर हेक्सागन और भी हमारे पास एक्टागन है डेकागन है वो सभी फिगर्स और आपको आगे हम देखें हम मैं बताऊंगा किस तरह से हम इसके जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं वो सभी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन उससे पहले रेगुलर पहले आपको जब समझ आया तो उससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आपने खाली ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और इस पर आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस रेगुलर पॉलीगन में कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी कहीं पे परेशानी नहीं होगी ये सबसे मुझ, मुझ, मैंने जहाँ जहाँ तक एनालाइज किया आपका सिलेबस उसमें सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीकॉन्स ठीक है चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी जो अभी मैं आपको बता रहा था ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर फॉलिगान आर इक्वल सभी साइड्स बराबर होती हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इसके सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में हमारे पास पाँच साइड्स होते हैं ये पाँचों साइड्स बराबर होते हैं और ये पाँचों एंगल्स हमारे पास बराबर होते हैं इसलिए इसको हम इक्व एंगुलर भी कहते हैं ठीक है तो दो प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी सारे साइड्स बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की हां और एक चीज कभी कभी इसको एनगन भी कहते हैं जैसे हम इसको पॉलीगॉन कहते हैं ना तो कभी कभी इसको स्पेशली प्यार से इसको एनगन के नाम से भी पुकारते हैं एनगन क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ साइड्स होते हैं अगर तीन साइड्स होंगे तो हम इस, इसको ट्रायंगल बोलते हैं ठीक है सॉरी अगर हमारे पास चार पाँच साइड्स हो, होते हैं तो इसको हम पेंटागन कहते हैं ठीक है अगर इसमें छः साइड्स हैं तो इसको हम हेक्सागन कहते हैं तो इसलिए प्यार को इसको कभी कभी एनगॉन भी कहते हैं ठीक है सिंपल एनगॉन एनगॉन यानी कि एन नंबर ऑफ साइड्स वाला फिगर तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी साइड्स बराबर होती हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि इसके एंगल्स इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं इसलिए इसको हम एक एंगुलर फिगर भी कहते हैं और एक प्रॉपर्टी ये है कि पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विथ एन साइड्स इज़ इक्वल टू तो द एन टाइम्स साइड लेंथ जब भी हमने कोई भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं उसके साइड्स का सम करते हैं और उसके बाद हमने रेक्टेंगल का देखा तो हमने रेक्टेंगल का सिंपली अगर पैरामीटर निकाला टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड इस तरह लेकिन अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा तो सिंपली आपने क्या करना है कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो चाहे वो कॉर्डिलेटर की सूरत में हो या सॉरी स्क्वायर की सूरत में हो क्योंकि साइड्स बराबर होनी चाहिए या फिर पेंटागन या हेक्सागन हो ठीक है तो आपने देखना है अगर हेक्सागन है तो इसमें छः साइड्स है इस छः साइड्स ये सिक्स से मल्टीपल करना है किसको लेंथ ऑफ साइड एक लेंथ साइड की लेंथ लेनी है उसको सिक्स टाइम्स मल्टीपल करना है क्योंकि इसमें टोटल सिक्स साइड्स हैं मान लीजिए थ्री है हमारे पास एक साइड की लेंथ तो आपके पास इसका पेरीमीटर बनता है सिक्स इंटू थ्री विच इज इक्वल टू एटीन ठीक है तो पेरीमीटर आपके पास एटीन यूनिट्स बनता है तो पेरीमीटर जब भी आपने निकालना होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगान को तो देखना है कितने साइड्स है और उसको मल्टीपल करना है साइड लेंथ से ठीक है यहाँ पर पे आपको पेरीमीटर मिल सकता है फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर आपने <coughs> अगर आपने कैलकुलेट करना होगा मेरे पास अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें टोटल एंगल कितना बनता है ठीक है नॉर्मली अगर हम देखें हमारे पास कॉर्डिलेटर अगर होता है इसके एंगल्स का सम करेंगे तो वो हमारे पास 180 सॉरी 360 डिग्री होता है अगर हम इसी तरह ट्रायंगल के एंगल्स का सम करते हैं वो मैंने आपको बताया तो इसका एंगल सम होता है 180 डिग्री लेकिन हमारे पास अगर रेगुलर पॉलीगन होगा अगर अगर हमारे पास हेक्सागन होगा या फिर हमारे पास पेंटागन होगा तो इसमें एंगल्स का सम कितना होता है ये अलग अलग होता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सारे एंगल्स का सम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी ठीक है तो यहाँ पे एन है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आपने फिगर में देखना है कितने टोटल साइड्स है उसमें से माइनस वन माइनस टू करना है और वन एट्टी से मल्टीपल करना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सॉरी इसमें टोटल एंगल कितना बनता है इस फिगर में चलिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास एक पेंटेगन है ठीक है ये मेरे पास एक पेंटेगन है पेंटेगन के पांच साइड्स होते हैं तो मुझे इसमें देखना है इसमें टोटल एंगल कितना बनता है एंगल सम कितना बनता है जैसे ट्राइंगल में वन एटी होता है कोरिलेटर में थ्री सिक्सटी होता है तो इसमें कितना एंगल बनता है ठीक है टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स तो वो अगर हमने निकालना होगा वो हमारे पास फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी डिग्री ठीक है ना सिंपल है तो एन यहाँ पे हमारे पास कितने साइड्स हैं पेंटागन है तो पाँच साइड्स है फाइव माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी तो फाइव माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी करेंगे तो ये फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन एटी करेंगे देख लीजिए कितना बनता है विच इज़ गोट थ्री जीरो जीरो थ्री एट इज ट्वेंटी फोर ठीक है थ्री वन इज थ्री थ्री प्लस टू इज़ फाइव फाइव फोर्टी डिग्री का इसमें एंगल बनता है ठीक है ठीक है तो फाइव फोर्टी इसमें सारे एंगल्स का सम होता है पेंटागन में इसी तरह हेक्सागन में करना होगा तो आपने फाइव की जगह यहाँ पे सिक्स से रिप्लेस करना है हेप्टागन में तो उसमें आप सेवन से रिप्लेस कर सकते हैं ओक्टागन में उसमें एट से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं बड़ा आसान है लेकिन 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 एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है आपको पता चला कि हमें अगर किसी भी रेगुलर पॉ पौ, पॉलीगॉन में सम ऑफ एंगल्स निकालना होगा तो बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी मैंने इसको यहाँ पे रेड में इनबॉक्स किया है ताकि आप लोगों को याद रहे ठीक है लेकिन अगर आपने एक एंगल निकालना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाता है कि हमारे पास पेंटेगन है एक ठीक है इस तरह से पेंटेगन है हमारे पास तो ये रेगुलर पेंटेगन है आपने बताना है इसका एक साइड किसके बराबर होगा अभी अगर मैं आपको बताऊं सारे सारे एंगल्स का सम कितना सारे, सारे एंगल्स का सम कितना है तो आप सिंपली एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन एटी करेंगे लेकिन अगर आपने एक एंगल निकालना होगा उसमें आपने क्या करना है यही फॉर्मूला है खाली इसको डिवाइड बाई एन करना है देखिए ठीक है चलिए हम देखते हैं अगर हमारे पास एक पेंटेगन है ये मेरे पास एक पेंटेगन है ठीक है तो इस पेंटागन में पांच साइड्स है ठीक है ये पांचों साइड्स बराबर है मुझे एक एंगल निकालना है किसके बराबर है तो अभी मैंने निकाला एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी लेकिन मुझे हर एक एंगल निकालना है ईच एंगल अगर आपने निकालना होगा तो उसमें आप उस सूरत में आपने एन से डिवाइड करना है वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना अगर वो सम पूछ रहा है तो एन से डिवाइड नहीं करना है अगर वो हर एक एंगल ईच एंगल पूछ रहा है तो आपने एन से डिवाइड करना है ज़रा करें वो आप इसको सॉल्व करें अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास फाइव माइनस टू आ रहा था विच इक्वल टू थ्री थ्री इंटू वन एटी कितना आ रहा था आपके पास फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी ये आ रहा था ना तो डिवाइड करेंगे आप इसको एन से यानी कि फाइव से डिवाइड करेंगे जरा इसको एक बार सॉल्व करें फाइव वन हजार फाइव फाइव वन हजार फाइव फाइव एट हजार फोर्टी तो यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे गलती होगी डिवीजन करने में तो ये हमारे पास कितना बनता था फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव फाइव वन हजार फाइव फाइव वन ज़र फाइव अब हम दो का सीधा यहाँ पे अक्सर ये गलती होती है ठीक है ये बच्चों से भी कभी भी गलती होती है तो यहाँ पे हमारे पास दो बच्चे हैं तो इनको डायरेक्टली हम जो है डिवाइज डिवीज़न नहीं कर सकते हैं तो जीरो से करना होगा पहले तभी हम दो का साथ में कर सकते हैं पहले अगर हम पहले करें तो पहले दो को कर सकते हैं हम डिवाइड लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास इस दोबारा जब दो आते हैं तो पहले हमने ज़ीरो से इसको डिवीजन करना है अगर आप डिवीज़न जानते होंगे लॉन्ग डिवीज़न तो वहाँ पर आपको पता चलेगा ये तो अब हमारे पास जीरो से हमने किया तो आप हम दो को साथ में डिवीजन कर सकते हैं तो फाइव एट इज फोर्टी तो वन हंड्रेड एंड एट डिग्री आपका हर एक एंगल पेंटागन में होता है ठीक है क्लियर ये चीज चलिए तो ये थी फॉमूला अगर आपको पूछा जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी अगर आपको हर एक इंटीरियर एंगल पूछा जाता है तो उस सूरत में आपने डिवाइड बाय एन करना है इसी फॉर्मूला को सिंपल है ना चलिए इसके बाद है हमारे पास एक और फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स कितने बन सकते हैं एक पॉलीगॉन में फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेंटेगन है ठीक है तो पेंटेगन में आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने डायगनल पॉसिबल है अगर आप देखेंगे यहाँ से एक डाइगनल यहाँ से एक डायगनल डाल सकते हैं ठीक है इसी तरह से यहाँ से एक डाइगनल डाल सकते हैं हम और यहाँ से जो है यहाँ तक एक डाइगनल आया तो यहाँ से यहाँ तक भी डाइगन डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भी डाइगनल डाल सकते हैं इस लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी फिगर होती है कि हमें जो है डायगनल्स कैलकुलेट करने मुश्किल होते हैं एक एक करके अगर हम कैलकुलेट करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेसी बन जाता है तो तब हमारे मान लीजिए आपके पास डायकेगन है उसमें आपने डायगोनस कैलकुलेट करने हैं तो उस सूरत में आपको बहुत परेशानी होती है तो इसलिए आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके वो डायगनस निकालने हैं मान लीजिए हम देखते हैं अभी हमारे पास पेंटेगन है पेंटेगन में हमने देखना है नंबर ऑफ डायगोनस तो फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू सिंपल सी फॉर्मूला है फॉर्मूला में ज़्यादा जो अब है आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए इनको आप एक जो है सिकल फॉर्म में आप याद रखें तो डायगनल के फॉर्मूला है आपके पास एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होता है तो पेंटागन है पांच साइड्स है तो हम करेंगे फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री कितना हुआ फाइव माइनस थ्री इज़ टू डिवाइडेड बाई टू टू और टू गया इसमें हमारे पास पांच डायगनल्स बनते हैं ठीक है थीके? अगर आप गिनेंगे ये हमारे पास दो हुए ये हमारे पास दो हुए और ये हमारे पास एक डायगोनल हुआ तो ये हमारे पास कितना बना है टोटल नंबर ऑफ डाइगनल्स कितने बने पांच डाइगनल्स हमारे पास बने ठीक है इसी तरह अगर आपने एक्जेगन में या हेप्टेगन में नंबर ऑफ डाइगनल्स निकालने होंगे तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है वो है एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू इससे आप जो है नंबर ऑफ डाइगनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ठीक है इसी तरह अगर हम देखेंगे चलिए हम हेक्सागन में देखेंगे ये हमारे पास हेक्सागन है तो हेक्सागन में अपने नंबर ऑफ डायगन कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास सिक्स है ठीक है अगर आप गिनेंगे तो सिक्स साइड्स है हमारे पास तो ये हमारे पास सिक्स सिक्स माइनस थ्री तो हमारे पास कितना हुआ थ्री डिवाइडेड बाई टू टू वन जर टू थ्री ज़र थ्री थ्री, थ्री जर नाइन तो हमारे पास नाइन डायगन इसमें टोटल बनते हैं ठीक है अगर आप इसमें जो है ड्रा भी करेंगे डायगनल तो आप देखेंगे नाइन डायगन आ जाएंगे इसमें तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ डायगनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला है एन इन टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू क्वेश्चन इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हमने जो अभी देखी ऊपर तक ऊपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखाई है खाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है अगर इसमें जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं बस फॉमूला आप याद रखें इसके बाद है सम ऑफ़ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स अगर मेरे पास हैगज सॉरी पेंटेगन होगा या हेक्सागन होगा तो इसमें एक्सटीरियर एंगल जो बनता है इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है कितना होता है 360 डिग्री लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम 360 नहीं बल्कि वेरिएंट होता है ठीक है अलग अलग वेरिएबल होता है वो पेंटागन के लिए अलग हो सकता है वो हेक्सागन के लिए अलग हो सकता है टेगन के लिए अलग हो सकता है तो लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है ठीक है तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो उसको डिवाइडेड बाय एन करना है जिस तरह हमने ऊपर फॉर्मूला में एंगल निकालना होता था एंगल तो उसमें हमने एन से डिवाइड किया इसी तरह अगर आपने कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो सिंपली थ्री को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से मान लीजिए हमारे पास एक पेंटागन है पेंटागन की एग्जांपल मैं कोट करता हूं अक्सर क्योंकि आसान भी हो जाता है आप लोगों को समझने में भी इजी हो जाता है इसमें जो है पांच साइड से हमारे पास अगर आपसे पूछा जाता है कि इस इस पेंटागन का हर एक एंगल कितना होगा एक्सटीरियर एंगल लेकिन ठीक है तो एक्सटीरियर एंगल इसका कितना होगा तो वो एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से तो पेंटागन में फाइव साइड्स होते हैं फाइव वन फाइव ठीक है फाइव सेवन हज़ार थर्टी फाइव ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास एक बचा फाइव टू जर टेन तो यहाँ पे सेवेंटी डिग्री हर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है पेंटागन समझिए आपको ये बात बिल्कुल आसान है सम ऑफ एंगल्स 360 सिक्सटी एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो फार्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी अगर एक एंगल इंटीरियर निकालना होगा एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी डिवाइड बाई एन करना है खाली इसी तरह अगर आपने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स देखना है तो वो सिंपली वन थ्री सिक्सटी होगा लेकिन अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल देखना होगा तो उसको उसके लिए आपने एन से डिवाइड करना है सिंपल सी फार्मूला है इसके बाद अगर आपने देखना होगा कि नंबर ऑफ़ ट्रैंगल्स कितने बनते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैंगल्स कितने बनते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाता है एक हेक्सागन है ये इस हेक्सागन में आप बताएं कितने ट्रेंगल्स बनते हैं ये और ये मैंने डाइगनल डाल दिया ये मैंने डाइगनल डाल डाल दिया ठीक है तो इस तरह से हम डाइगनल्स डाल सकते हैं तो ये डाइगनल डाल के हम देख सकते हैं इसमें कितने ट्रेंगल्स बनते हैं देखिए इसमें अलग अलग ट्रेंगल्स ये एक ट्रैगल है ये एक ट्रैंगल है इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रैंगल्स बन सकते हैं अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ ट्रैंगल्स पूछा जाता है कितने ट्रैंगल्स बनते हैं उसके लिए आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है एन सी थ्री एन सी थ्री यानी कि इसका कंबिनेशन निकालना है वो है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल ये आपको आपने सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना है इसके इससे नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है मान लीजिए हमने हेक्सागन का नंबर ऑफ ट्रैगल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकालने हैं तो ये हमारे पास है सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टोरियल ठीक है ये देख लीजिए आप तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिक्स माइनस थ्री थ्री फैक्टोरियल तो ये आपके पास आया थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोल नीचे ऊपर आपके पास सिक्स फैक्टोरियल बचा तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल ठीक है एक थ्री फैक्टोरियल और एक थ्री फैक्टोरियल गया अब आपके पास क्या बचा ठीक है तो अब आप आपके पास बचा सिक्स इंटू फाइव यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको सिक्स इंटू फाइव ठीक है ऊपर बचा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर नीचे हमारे पास थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल बचा तो उसको हम सॉल्व करेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है तो ये टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर ठीक है इसी तरह थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स तो आपके पास क्या बचा थ्री सॉरी फाइव इंटू टू इज टेन टेन इंटू टू इज ट्वेल्व तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रैंगल्स जो बनते हैं वो है ट्वेल्व ठीक है इस तरह से आप जो है कम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं फिर से मैं आपको एक बात बताऊं अगर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आता है जब भी आपके पास कम्बिनेशन सॉल्व करनी होती है तो एन सी थ्री या एन सी आर इसको हम जो है कहते हैं तो यहाँ पे आपने खाली एन सी थ्री याद रखना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं वो है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये है हमारे पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय थ्री फैक्टोरियल ठीक है तो थ्री फैक्टोरियल हमारे जब भी आपने फैक्टोरियल निकालना होता है तो फैक्टोरियल का मतलब है इसके नीचे जितने भी नंबर रहते हैं उनको मल्टीपल करना है थ्री का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है 3 into into 1, इसी तरह एन माइनस थ्री अगर आपके पास हेक्सागन है तो सिक्स माइनस थ्री करेंगे अगर आपके पास पेंटागन है तो फाइव माइनस थ्री करेंगे तो ये आपके पास अगर मान लीजिए पेंटागन है फाइव माइनस थ्री इज टू फैक्टोरियल ठीक है पाँच में से तीन निकालते हैं तो दो ही बचता है ना तो टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल बचता है हमारे पास तो ऊपर भी हमारे पास फाइव फैक्टोरियल बचेगा तो आप लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल ठीक है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फाइव फैक्टोरियल को तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप ठीक है आगे सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं आप उसको डायरेक्टली थ्री फैक्टोरियल आगे लिख देंगे नीचे भी आपके पास है टू फैक्टोरियल यानी टू फैक्टोरियल तो टू ही होता है इसको मल्टीपल से two, two तो पेंटागन में वो हमारे पास कितने बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं टेन ठीक है तो यहाँ से आप जो है नंबर ऑफ ट्रेंगल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स अगर आपने निकालना है तो सिंपल सी फॉर्मूला आपने याद रखनी है एनसी थ्री ठीक है तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते कर सकते हैं अगर आपको इसको फैक्टोरियल को दिक्कत होती है सॉल्व करने में तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर इसमें जो है जी लेक्चर में इसको एलाबोरेट करके आपको बताऊँगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसके बाद आते हैं अगर आपने ट्रैंगल्स देते हैं देखने होते हैं जिनका एक साइड कॉमन होता है क्योंकि हमारे पास इसमें मल्टीपल ट्राइंगल्स बनते हैं ठीक है मान लीजिए हमारे पास इक्टर ट्रेंगल की बात अगर हम करेंगे अगर हम सॉरी इक्लेटर ट्रैगल की बात करेंगे तो इसमें हम डायगोनल डाल ही नहीं सकते हैं पहले ठीक है तो इक्वलीटर ट्रैगल को आप छोड़ें ही इसके बाद अगर हम देखेंगे ये मान लीजिए हमारे पास ये एक कॉडर लेटर है अगर हमने इसमें एक डायगोनल डाल दिया तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन ट्राइंगल्स बनते हैं सॉरी दो ट्राइंगल्स बनते हैं लेकिन इसका एक कॉमन साइड है तो पहले केस में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ़ ट्राएंगल्स कोई भेदभाव नहीं खाली हमने देखा टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैंगल्स कितने बनते हैं दूसरा नंबर ऑफ ट्राएंगल्स विथ वन साइड कॉमन ऐसे ट्रेंगल जिस जिनका खाली एक साइड कॉमन हो कुछ ऐसे भी ट्रैंगल्स होंगे हो सकते हैं जिनका मल्टीपल साइड जो कॉमन है लेकिन हमने एक ही साइड जिनका कॉमन हो वो ट्रेंगल्स अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस फोर ठीक है मान लीजिए आप पेंटागन का निकाल रहे हैं तो फाइव इंटू फाइव माइनस फोर तो ये आपके पास कितना बचा फाइव माइनस फोर इज वन तो फाइव इंटू वन इज फाइव तो पांच इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स बन जाएंगे जिनका एक साइड कॉमन होगा अगर पूरे देखने हैं टोटल तो एन सी थ्री लेकिन अगर ऐसे ट्रेंगल्स देखने हैं कितने बनते हैं जिनका एक साइड कॉमन होगा तो उसके लिए आपके फॉर्म पास फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस फोर लेकिन अगर आपने वो ट्रेंगल्स देखने हैं जिनका कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखनी है वो है एन इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल ये है फॉर्मूला उसके लिए इसको आपने सॉल्व करना है तो आपको पता चल सकता है कि कितने हमारे पास स्ट्रेंगल्स बनते हैं जिनका जो है कोई भी साइड कॉमन नहीं है ठीक है अगर वो निकालने होंगे मान लीजिए हम जो है हेक्सागन की बात करेंगे हेक्सागन में हम देखेंगे कितने हमारे पास ट्रेंगल्स बनते हैं जिनका कोई भी साइड कॉमन नहीं होता है तो सिंपली इसमें जो है वैल्यू डालते जाएंगे एन की जगह सिक्स इंटू सिक्स माइनस फोर इंटू सिक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल तो ये हमारे पास बचा सिक्स ये हमारे पास यहाँ पे सिक्स माइनस फोर इज़ टू यहाँ पे सिक्स माइनस फाइव इज़ वन तो ये हमारे पास कितना ऊपर आया सिक्स इंटू टू इंटू वन तो ये हमारे पास ट्वेल्व बना नीचे हमारे पास थ्री फैक्टोरियल बना तो थ्री इंटू टू ठीक है तो थ्री से इसको डिवाइड करते हैं थ्री वन ज थ्री थ्री फोर जर ट्वेल्व टू वन जर टू 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 जर फोर तो हमारे पास दो ही ट्रायंगल्स बनते हैं ऐसे हेक्सागन में जिनका कोई भी साइड कॉमन नहीं होता है क्लियर ठीक है ये चीज इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने आपको तीनों केसेस बताएं. एक वो केस जहाँ पे हमने टोटल लिखना है ट्रायंगल्स चाहे कॉमन साइड हो ना हो कोई लेना देना नहीं है एन सी थ्री फॉर्मूला है दूसरा जब आपने देखना है कि इस पॉलीगॉन में जो ड्राइगनल्स के द्वारा ट्रेंगल बनते हैं उसमें खाली एक साइड कॉमन होना चाहिए एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए खाली एग्जैक्टली वन साइड कॉमन होना चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस फोर लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ऐसी ट्रैंगल्स जिनका कोई भी साइड कॉमन नहीं हो तो फॉमूला है एन इंटू एन माइनस फोर एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला है अभी आपको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी लेकिन आप इसको इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा चलिए इसके बाद आता है हमारे पास आखिरी पॉइंट प्रॉपर्टीज का वो है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन अगर आपने रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है ठीक है इसके लिए फॉर्मूला है वन हाफ आटर इंटू एपोथम एपोथम हम इसको किसको कहते हैं अपोथम होता है जो हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड अगर इस साइड पे देखेंगे तो सेंटर से इस साइड पे कितनी डिस्टेंस है उसको हम अपोथम कहते हैं इस अपोथम को मल्टीपल करना है परी के साथ पर आपको पता है रेगुलर पॉलीगन का मैंने बताया जितने हमारे पास साइड्स हैं उसको मल्टीपल करना है साइड लेंथ से अगर हेक्सागन है तो सिक्स इंटू एस अगर पेंटागन है तो फाइव इंटू एस यानी कि एस होता है यहाँ पे साइड की लेंथ कितनी है और इसको हाफ करना है तो यहाँ पे आपको एरिया मिल सकता है परी का मान लीजिए आपने इसी हेक्सागन का जो है यहाँ पे एरिया निकालना है अगर हम हम गेस् सॉरी हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि इसकी साइड लेंथ थ्री है और इसका एपोथम यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड हमारे पास टू है तो आपने इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा हमारे पास एरिया इसका इट इज़ वन हाफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाई तो हैगजगन है सिक्स साइड्स है मल्टीपल करना है साइड की लेंथ कितनी है थ्री थ्री है हमारे पास साइड की लेंथ ये हमारे पास परमीटर बना मल्टीप्लाइड बाई अपोथम अपोथम यानी कि लेंथ कितनी है फ्रॉम कितना डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू तो एनी साइड वो हमारे पास टू है तो इसको सॉल्व करेंगे ये टू और ये टू गया सिक्स थ्रीज आर एटीन तो आपके पास इसका एरिया बनता है इस रेगुलर एरिया का एरिया इस रेगुलर पॉलीगन का रेगुलर हेक्सागन का रादर एरिया बनता है एटीन यूनिट स्क्वायर ठीक है क्योंकि एरिया यूनिट स्क्वायर में ही आता है तो ये जितना चाहे वो सेंटीमीटर होगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर होगा तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलिकॉन का बहुत आसान है ठीक है तो इस तरह से हमारे सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होते हैं लेकिन कुछ जाते जाते हम कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे ताकि ये सारी जो अपनी प्रॉपर्टीज ऊपर पड़े वो सारे क्लियर हो जाएँ पहला क्वेश्चन आपके पास टिक द करेक्ट आंसर मै हाउ मेनी डायगनल आर देर इन पेंटेगन पेंटेगन में कितने डायगन होते हैं ठीक है ये आपने कैलकुलेट करना है जो ही आपको डायगन पूछा जाता है तो आपके पास डायरेक्टली एक सिंपल सी फॉर्मूला आनी चाहिए वो है वो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू तो पेंटागन की बात चल रही है पेंटागन तो इसमें पाँच साइड्स होते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला में डालेंगे एन के जगह पर ये फाइव का वैल्यू तो वह है फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू थ्री आपके पास कितना बना ये हमारे पास टू बना तो ये टू और ये टू गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायगनल कितने बनते हैं फाइव बनते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायगन ईजी है ना कुछ नहीं करना है बस खाली वैल्यूज डाल देने हैं इसमें कुछ मैथमेटिक्स है ही नहीं बिल्कुल सिंपल है सिंपल कैलकुलेशन है ले लैंग्वेज में आपने ये कैलकुलेशन करनी है एक और क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी डायगनल आर देयर इन हेक्सागन सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है आपने निकालना है हेक्सागन में कितने डायगनल बनते हैं इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगी क्योंकि ऊपर हमने इस पर क्वेश्चन किया ये आपके लिए एक होमवर्क है इस होमवर्क को आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसमें नंबर ऑफ डायगनल कितने बनते हैं ठीक है चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम हाउ मेनी डायगनल आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग ट्वेल्व साइड्स अब आपके पास एक पॉलीगन है देखें पहले तो आप अगर हमारे पास छोटी छोटी फिगर्स हैं उसमें आप डायगनल डाल के पता कर सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ आपके पास जो है साइड्स होंगे किसी पॉलीगान के तो उसमें आप कैसे देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ़ डायगनल्स है तो उसके लिए आपने यही फार्मूला जो मैंने बताया एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू वाली फॉर्मूला लगानी है जरा इसको एक बार सॉल्व करें तो एन हमारे पास कितना है ट्वेल्व है यहाँ पे तो ये आपके पास बन जाएगा इसमें वैल्यू डाल डालते जाएँ ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व माइनस थ्री कितना हुआ यहाँ पर ट्वेल्व डालेंगे ट्वेल्व माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन नाइन डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं टू वन जरा टू टू सिक्स ट्वेल्व सिक्स नाइन हज़ार कितना बनता है फिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डायंगनस बनते हैं ठीक है समझ आया आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ यहाँ पे बिल्कुल ईजी है प्लस माइनस करना है इसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन पॉलीगन हैविंग ट्वेंटी सेवन डायगन लेकिन इस बार क्या है इस बार आपको डायगनल्स दिए गए हैं एक अपार, हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ट्वेंटी सेवन डायगनल्स है हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव आपने बताना है कि साइड्स कितने हैं ठीक है सिंपली वही फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ़ डाइगनस जो है किसके बराबर है नंबर ऑफ डाइगन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डायगन ऑलरेडी दिए गए हैं वो कितना है ट्वेंटी सेवन तो इसकी जगह आपने ट्वेंटी सेवन डालना है ठीक है अब यहाँ पे आपने एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख लेंगे तो ये आपके पास इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा ये यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे इससे मल्टीपल हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 54 54 फिफ्टी फोर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री एन इंटू एन माइनस थ्री ठीक है ये आप याद रखें ये इक्वेजन आगे हम सॉल्व करते हैं देखते लें कैसे तो ये आपके पास बना फिफ्टी फोर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस सॉरी एन इंटू एन माइनस थ्री ये है ना हमारे पास तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बना 54 तो यहाँ पे ही रखेंगे ये हमारे पास बना n इंटू एन हो गया एन स्क्र तो यहां पे आया एन स्क्वेयर एन इंटू थ्री कितना बना हमारे पास माइनस थ्री एन ठीक है तो माइनस थ्री एन ये फिफ्टी फोर अगर हम इस साइड में लाएंगे तो ये हमारे पास यहां पे माइनस फिफ्टी फोर बन जाएगा इक्वल टू तो जीरो ठीक है ये इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बना बनेगा तो अगर आपने इक्वेशन ऐसे सोल्व करने है, आपने होगा देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारे पास होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम अक्सर मिडिल टर्म को सुप्लिट करते हैं सर इस मिडिल टर्म को सुप्लिट करते हैं मैं ये गारंटी देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे आपको आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन अगर आया तो बिल्कुल सिंपल तरह से जो है मिड जो इस मिड टर्म को जो है इसको डिज़ोल्व करना है इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्र इसकी जगह पे हम लिख सकते है, -9n 6n, हैं माइनस नाइन एन प्लस सिक्स एन जरा इसको देखें हम माइनस नाइन एन में से सिक्स एन जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास थ्री एन बच जाएगा वही हमारे पास थ्री एन है माइनस फिफ्टी फोर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी एन, एन यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये हमारे पास बचा एन माइनस नाइन सॉरी नाइन प्लस सिक्स यहाँ पे हमने कॉमन निकाला तो ये आपके पास एन माइनस नाइन निकलेगा इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स बचे अगर आपको याद आया वो एट्थ में पढ़ते थे हम बिल्कुल आसान है तो हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे बचे एक एन प्लस सिक्स दूसरा एन माइनस नाइन ठीक है तो एन प्लस सॉरी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे हमारे पास बचा एन प्लस सिक्स एक टर्म दूसरा आया हमारे पास एन माइनस नाइन तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे एन का क्योंकि जीरो के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे एन का वैल्यू है माइनस सिक्स या तो एन का वैल्यू है प्लस नाइन एन इज इक्व टू प्लस नाइन ठीक है ये जो वैल्यू होता है इसका अपोजिट होता है तो यहाँ पे यहाँ या तो एन का वैल्यू है माइनस सिक्स क्योंकि जीरो बनना चाहिए यहाँ तो एन का वैल्यू है ये कब जीरो बनेगी ये टर्म ये तब बनेगी जीरो जब यहाँ पे एन का वैल्यू नाइन होगा तो साइड्स जो है नंबर ऑफ साइड्स नाइन नेगेटिव हो ही नहीं सकते इसलिए आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे नाइन बिल्कुल आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं विद इन थर्टी सेकेंड्स भी जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी वो थर्टी सेकंडस में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? तो नाइन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स है इसमें जिसके डायगन ट्वेंटी सेवन है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगर आपको ये टफ लगता है मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे जिनमें आपको ज़्यादा जो है सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन इसमें वैसे भी ज़्यादा नहीं है इस पर हम और एग्जाम्पल्स करेंगे एम सेशंस में तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन सॉरी फोर्टी हमारे पास जो टोटल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉनस था वो मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है रेगुलर पॉलीगान का वो है थ्री सिक्सटी डिग्री अगर आपके पास ए हर एक का निकालना होगा हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है तो उसको डिवाइड बाई एन करना है ठीक है तो यही क्या कहा जाता है आप लोगों से कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल का सा एक एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास 40 डिग्री है तो हम उसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन तो कितना है हमारे पास गिवन है हमारे पास 40 डिग्री तो यहाँ पे आपने निकालना क्या है नंबर ऑफ साइड्स ठीक है तो यहाँ एन को यहाँ लाएंगे और ये यह फोर्टी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये देख लीजिए आपके पास थ्री डिवाइडेड बाई फोर्टी ये जीरो जीरो गया फोर वन हज़ार फोर फोर नाइन हज़ार थर्टी सिक्स तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है फोर्टी डिग्री होता है उसमें नंबर ऑफ साइड्स नाइन है क्लियर है ना ये एक बार फिर से समझाता हूँ हो सकते हैं कुछ लोगों के सिर सिर के ऊपर से गया होगा फिर से मैं समझाता हूँ मैंने आपको बताया था अगर आपने एक्सटीरियर एंगल्स का सम देखना होगा वो थ्री सिक्सटी डिग्री होता है लेकिन अगर आपने देखना होगा कि ईच हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई एन होता है ये ईच एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ पे ये यह आपके पास गिवन है 40 ठीक है तो आपने नंबर ऑफ़ साइड्स निकालना है तो एन को हम यहाँ लाएंगे तो 40 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जब आपने 40 यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपके पास नाइन ना आ जाएगा क्लियर है ना आप बिल्कुल आसान है आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं ये इससे टफ़ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं खाली यही जो है आपके पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं उनमें वैल्यूज़ पुट ऑन करने ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इज डेकागन होता है वो पॉलीगन जिसमें हमारे पास दस साइड्स होते हैं तो आपने बताना है इसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा अगर सम ऑफ़ एंगल्स होता तो आपके पास सिंपली फॉर्मूला था एन इंटू सॉरी एन माइनस टू इंटू वन एटी ठीक है ना लेकिन आपने ईच एंगल बताना है तो डिवाइडेड बाय एन बी करना है क्योंकि आपने ईच इंटीरियर एंगल बताना है मैंने आपको बताया इसको याद रखना जहन में रखना तो यहाँ पे एन की जगह आप अभी टेकागन है तो दस का वैल्यू डाल देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा दस माइनस टू ठीक है इंटू वन एटी डिवाइडेड बाई टेन ठीक है तो आप देख लीजिए ये टेन में ऐसे टू निकालेंगे तो ये आपके पास एट बन जाएगा ठीक है क्लियर तो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो गया तो ये आपके पास 18 इंटू एट आप मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं कितना बनता है तो ये आपके पास एट एट हज़ार सिक्सटी फोर ठीक है एट वन हज़ार एट 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 सिक्स एट प्लस सिक्स इज़ 14 विच इज़ वन फोर्टी फोर डिग्री तो आपके पास हर एक इंटीरियर एंगल डेकागन में कितना होता है वन फोर्टी फोर डिग्री क्लियर है ये चीज़ अगर आपने कोई भी इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो सिंपल फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी डिवाइडेड बाई एन तो यहाँ पे आप जो है निकाल सकते हैं कि हमारे पास हर एक इंटीरियर एंगल कितना हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन जिसको हम देखेंगे इस पे भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए है यहाँ पर आपके पास इंटीरियर एंगल्स का सम रेगुलर पॉलीगॉन में दिया गया है अब आपने बताना है कि हर एक एंगल कितना होगा लेकिन वो पॉसिबल नहीं है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल वो पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक हमें नंबर ऑफ साइड्स पता ना चले तो पहले हम नंबर ऑफ़ साइड्स ही पता करेंगे एज़ गिवन जैसे हमारे पास गिवन है उसी को हम यूज़ करेंगे हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है वन जीरो एट जीरो तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए फॉमूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी ये हमारे पास किसके बराबर है वन जीरो एट जीरो के बराबर ठीक है हमने यहाँ से एन निकालना है वही हमारे पास नया नंबर ऑफ़ साइड्स तो इसको आप सॉल्व करेंगे ये आपके पास बच जाएगा एन माइनस टू इज इक्वल टू वन जीरो एट जीरो डिवाइडेड बाई ये आपके पास यहाँ मल्टीपल में है तो ये डिवाइजन में डिवीजन में आ जाएगा तो ये जीरो ये जीरो गया तो इसको नाइन से डिवाइड करेंगे नाइन टू ज़ार एटीन नाइन वन ज़र नाइन नाइन टू ज़ार एटीन यहाँ पे हमारे पास ट्वेल्व आया टू वन हज़ार टू टू सिक्स हज़ार ट्वेल्व तो सिक्स बचा यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास आया एन माइनस टू इक्वल टू सिक्स तो ये माइनस टू है यहाँ पे इधर से आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा तो सिक्स प्लस टू कितना बना आपके पास एट बना तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितना आया एट अब आपको पता चला कि जनाब ये ऑक्टागन है ऑक्टागन में मुझे इंटीरियर एंगल देखना है हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है तो हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है ऑक्टागन में अब यही फॉर्मूला एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन एटी डिवाइडेड बाय एन करना है ईच एंगल के लिए जो मैं आपको बहुत पहले बह, से ही बताता आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप एन की जगह आठ डालना है एट से रिप्लेस करना है एन को क्योंकि आपको पता चला ये ऑक्टागन है आपने नंबर ऑफ आप साइड्स निकाला तो एट से रिप्लेस करना है एन को ज़रा इसको सॉल्व करेंगे आप ये आपके पास एट माइनस टू कितना बचा सिक्स बचा डिवाइडेड बाई एट मल्टीप्लाइड बाई वन एटी ये है ना ज़रा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा टू थ्री सिक्स टू फोर टूवेल्व सॉरी टू फोरज एट इसके बाद देखेंगे फोर वन इज़ फोर अब थ्री और फोर का नहीं हो सकता है इसके साथ देखेंगे फोर वन इज़ फोर 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 सिक्सटीन तो यहाँ पे हमारे पास दो बचे ट्वेंटी बना फोर फाइव हज़ार ट्वेंटी तो ये आपके पास फोटी फाइव बना फोर्टी फाइव इंटू थ्री करें आप तो आपको पता चल जाएगा थ्री इंटू फोटी फाइव कितना होता है फाइव थ्री इज़ फिफ्टीन फाइव फोर इज़ ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन इज़ थर्टीन तो आपके पास वन थर्टी फाइव डिग्री बनता है हर एक एंगल यहाँ पे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल इसमें अगर आ जाएगा खाली आप फॉर्मूला को पकड़ें तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी तरह का भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है ये सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है जो मेरे बच्चे अच्छी तरह से कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर ठीक है इसी तरह अपना जुनून आगे बढ़ाते रहें इस तरह जो भी हमारे पास आगे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आप बिल्कुल जो है फट से उनको कर सकते हैं विद इन विद इन द मोमेंट आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम आगे ट्रिक्स भी लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए लेकिन अभी हमने जो है पहले सिलेबस हम कदम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एम सी क्यू सेशन में आपको आप लोगों को ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे जो है आप अपना टाइम कम से कैसे, कम से कम कैसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़े से टाइम में सॉल्व वो ट्रिक्स भी आपके लिए लेके आ जाएंगे अब अभी के लिए इतना ही आप लोगों से इजाज़त लेते हैं अपना ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़